Hi everyone, welcome back to my channel Beauty and Rashna. I hope you all are doing well. Yesterday Manju ka song aa gaya tha naya bhari mehfil. तो आज हम उस पर रिएक्शन देने वाले हैं. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसको देखने के लिए, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वॉइस वॉन्च की है, बाकी सब कुछ अलग है. बल्कि सीधा वीडियो के अंदर बिना टाइम वेस्ट करें, ठीक है. सो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आप मुझे पहले बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड कमेंट डाउन बिलो आपको वीडियो कैसी लगी. एंड ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो मैं किस वीडियो भेजता हूँ. मैं जरूर उन वीडियोज भेजता हूँ. यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड स्नैपचैट ऑल्सो. उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, गो एंड चेक. और डिस्क्रिप्शन में गाइस आपको मेरा सेकंड चैनल मिल जाएगा, आप उस जगह जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर अडू क्विकली गेट स्टार्टेड. बहुत एक्साइटेड हूँ गाइस. बट वो सॉन्ग सैड ना निकले, फिंगर क्रॉस सैड, वो सॉन्ग सैड ना निकले. जानू मैं बस आधे घंटे में आया, जस्ट बी देयर. ओके तेरे बिन जीने का मन तो नहीं है, हमारे पास दूजा रास्ता नहीं. शिकायत है मगर करते नहीं हम, दुखाते दिल किसी का खामखा नहीं. पता है जब नहीं मुजरिम मैं तेरा, तुझे भी इल्म है के तू खुदा नहीं. भरी महफिल में हम मुस्कुराए, भरी महफिल में हम मुस्कुराए. वहाँ रोए जहाँ कोई देखता नहीं, भरी महफिल में मुस्कुराए. वहाँ रोए जहाँ कोई देखता निकले तो नया हमदम बना बैठे. मेरे दिल को तबाह करके किसी का घर सजा बैठे. बड़ी कातिल अदाएं यार की है, बताया जान लेकर खुदकुशी है. मुकर्रर कत्ल की है जब सजाएं, दिलों के कातिलों को क्यों सजा नहीं. भरी महफिल में मुस्कुराए, वहाँ रोए जहाँ कोई देखता नहीं. जब जब आईने से नजरें मिलाओगे तो खुद में दिखेगा तुम्हें एक बेवफा. तेरा अंजाम है तेरी शुरुआत है, मैं तो हो चुका हूँ तुझे होना बर्बाद है. चलो हम माफ कर देते हैं तुमको, मिलेगा पातुआ में वो मजा नहीं. भरी महफिल में हम मुस्कुराए, भरी महफिल में हम हैं मुस्कुराए. वहाँ रोए जहाँ कोई देखता नहीं, भरी महफिल में मुस्कुराए. वहाँ रोए जहाँ कोई देखता
तो दैट्स द वीडियो. एंड ये चीज़ मैंने कल ही कह दी थी कि ये सॉन्ग मुझे सैड लग रहा है, एंड ये सॉन्ग सैड ही है. एंड हिंदी सॉन्ग था पहली बात, तो हिंदी लैंग्वेज सॉन्ग था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा इसको सुनने में. लाइक यू नो हिंदी लैंग्वेज में है तो और अच्छे सॉन्ग समझ में आया है. अगर आपने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा है तो डेफिनेटली तो ये भी तो जो मैं बोलूँगी वो आपको शायद थोड़ा समझ ना आए, बट जिन्होंने देखा है उनके लिए तो उनको बहुत अच्छे समझ आएगा. तो मैंने कल अपनी वीडियो में ये कहा था कि जो सॉन्ग है मौन जी के मुझे सैड लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से मौन जी उस चेयर पर बैठे हुए थे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो सॉन्ग सैड ही है. ये सॉन्ग सैड ही निकला है, मतलब वो लड़की मौन जी के साथ रह के उनको चीट कर रही है. एंड चलो स्टोरी को भी साइड में रखते हैं, पहले मौन जी बात करते हैं. यार फर्स्ट लुक जो था मौन जी का, जब मैंने देखा उन्हें, टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत अच्छे लगे. आई मीन लाइक लॉन्ग हेयर में और स्ट्रेट हेयर में मौन जी बहुत अच्छे लगते हैं. आई मीन बहुत अच्छे लगे इसके अंदर मौन जी, कितना ज़्यादा अच्छा मौन जी का लुक लगा इस सॉन्ग के अंदर. यार मज़ा आ गया इस पूरी वीडियो देखने के बाद. या ऑब्वियसली सैड फील हो रहा है कि भाई ऐसा लड़की ने क्यों करा है, मतलब इतने प्यारे मौन जी को उसने ऐसा धोखा दे दिया, मतलब चीट कर दिया उनके ऊपर. ये चीज़ थोड़ी सी बुरी लगी है, बट वॉइस मौन जी की बहुत अच्छी, जो उसके लिरिक्स हैं, लिरिक्स बिल्कुल दिल को छू गए, बहुत हार्ट टचिंग उसके लिरिक्स हैं. आई मीन मज़ा आ गया इस पूरी वीडियो देखने बाद. जो म्यूज़िक है इसका, जो म्यूज़िक है, आई थिंक म्यूज़िक अमोल का है, बहुत प्यारा म्यूज़िक है यार. मतलब म्यूज़िक बहुत है, जब भरी महफिल में हम, जब भरी महफिल सॉन्ग आया, मतलब जब ये लिरिक्स आए, इसके ये वाली लाइन आई, उसके बाद जो म्यूज़िक बज रहा है इस लाइन के अंदर, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वाला म्यूज़िक था. म्यूज़िक इसका अच्छा लगा है क्योंकि वॉइस के अंदर मौन जी की है. टू बी ऑनेस्ट म्यूज़िक एक तरफ, म्यूज़िक भी अपनी तरफ अच्छा है, लेकिन मौन जी की वॉइस ने उस चीज़ को, सॉन्ग को, उस म्यूज़िक को और इस वीडियो को और ज़्यादा ही यू नो कह लो कि बहुत अच्छा बना दिया है. क्योंकि मौन जी की वॉइस बहुत ही अच्छी है, एंड प्लस हिंदी सॉन्ग्स के अंदर मौन जी की वॉइस और भी ज़्यादा अच्छी आती है. सो आई लव दिस वीडियो सो मच. बहुत सैड फील हो रहा है, एंड वो लड़की आई अपने बाल छुपा रही है ऐसे, मतलब जो यहाँ पे चीज़ थी उसकी, उसको उसने छुपाया अपने बालों से. छुपाने का क्या फ़ायदा है? हाँ, दिस इज़ माई पर्सनल क्वेश्चन टू दैट गर्ल, कि उसको छुपाने का फ़ायदा ही क्या है अब, जब तुमने चीट कर दिया उनके अंदर मौन जी के ऊपर, मतलब चीट कर दिया उनके ऊपर, देन व्हाट, जस्ट से इट कि भाई हाँ मैं चीट करूँ तुम्हारे ऊपर. एंड शी हैज़ लॉट्स ऑफ गट कि वो दोबारा मौन जी के पास आ रही है, एंड इज़ लाइक नहीं भैया अब नहीं आना हमको, हम वाली बहुत टूट चुके. मतलब जो फेस के एक्सप्रेशन थे मौन जी के, बहुत ज़्यादा कातिलाना थे. लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई इसके अंदर, कि जब वो लड़की वहाँ पे एंटर करी तो उसने मौन जी का हाथ पकड़ा, इवन मौन जी ने भी उसका हाथ पकड़ा, तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई थोड़ी, कि मतलब क्या चल रहा है. आई थिंक मौन जी ने उसका हाथ तभी इसलिए पकड़ा क्योंकि मौन जी को लग रहा होगा कि आई गेस उसने उसको छोड़ दिया है, मतलब यू नो अब शायद वो मेरे पास आ चुके. बट नो, वो तब भी वो लड़का उनके साथ ही था, उसके साथ लड़की साथ था. बहुत अलग अलग स्टोरी दिखाई गई है, जब मौन जी फोन देखने जाते हैं उस लड़की का, तो उस टाइम बहुत एकदम कहते कि यार ये क्या हो रहा है. एंड मतलब यार वीडियो अच्छी लगी है, स्टोरी वाइज अच्छी है वीडियो, बट सैड निकली है, एंड मौन जी की वॉइस ने और ऐसा दिल को तोड़ सा दिया है. सो या दैट्स इट गाइस, आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो. इफ यू डू देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, दिस इज फ्री. उसके आगे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मेरी वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आप पास हो. बिकले इतना ही, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ स्टे से बाहर मत निकले, बिकॉज कोरोना वायरस लाइक वायरस तो है नहीं, मैं क्यों बोल रही हूँ, बट स्टिल. सो एंड लेट्स नो मोर थिंग, कमेंट आज गाल निकल, ठीक है, बाय. ਪਿੰਟਾਂ 'ਚ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ.